ये हम लोग पहुंच गए के सुपर मार्केट। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये के सुपर मार्केट, और फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है -19 डिग्री सेल्सियस। अब पता नहीं, मुझे इतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन शैफाली को इतना फील हो रहा है कि वो गाड़ी से बाहर आने को तैयार नहीं थी, लेकिन आ गई फाइनली। और फिलहाल आज की शॉपिंग बहुत सारी करनी है, आज सब्जियाँ वब्जियाँ लेनी है। अभी 2-3 दिन से सब्जियाँ वब्जियाँ कुछ खाई नहीं है, तो फटाफट सब्जियाँ लेते हैं। बास्केट ले, ये बास्केट है कि यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए, यहाँ पे बिठाने के लिए, अगर आप शॉपिंग करने आते हो छोटे बच्चों के साथ तो छोटे बच्चों को आगे बिठा दो, पीछे ये सब माल भरो। और सुपर यार, मतलब क्रिएटिविटी इसको बोलते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना है और मार्केट में इतने लोग, मतलब डीमार्ट विमार्ट में इतने लोग आते हैं कि सारा बच्चे लोग को लेके ही नहीं आता कोई, और लेके जाना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या खाली वाली पड़ा है सब कुछ, तो बिंदास आते हैं सब लोग। और आज लेना क्या है, आज लेना है ब्रोकोली, ब्रोकोली लेना है, बेल पेपर लेना है, और क्या लेना है, कुकुम्बर नहीं चाहिए भाई। रेट में अगर आपको बताऊँ तो ये रहा ब्रोकोली अराउंड 400 ग्राम्स और 1.39 यूरो। इसके बाद कैबेज देखते हैं कैबेज का क्या रेट है। कैबेज अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका रेट है कुछ 2.29 यूरो। अभी हम लोग अदरक बहुत खाते हैं, अभी अदरक देखेंगे यहाँ पे, तो अदरक बहुत ज़्यादा महंगा है, 7.29 यूरो पर केजी। एक सिंगल बेल पेपर है यहाँ पे 5.49 यूरो का, मतलब आज फिक्स हो गया, आज बेल पेपर नहीं लेना है बाकी जो भी सस्ता आइटम है वो सब ले लेंगे। ये है 2 बेल पेपर और इसका रेट आ रहा है 2.29 यूरो। और यहाँ पे एप्पल है, एप्पल है 3.29 यूरो पर केजी। मतलब ठीक है, ये सस्ते है, मतलब ये इंडिया का ही रेट है 3.29 यूरो पर केजी। मतलब समझो ना आप, कितना होता है 250 रुपीज़ अ केजी, मतलब इतना महंगा नहीं है। इंडिया में भी हम लोग के घर के वहाँ पे तो 200 रुपया 180 रुपीज़ पर केजी मिलते हैं, मतलब ज़्यादा महंगे नहीं है एप्पल। और ये कुछ अलग फ्रूट है, ये जो भी फ्रूट है ये एप्पल जैसे ही लग रहा है, लेकिन ये बहुत महंगा है, 6.39 यूरो। कीवी है 5.49 यूरो पर केजी। हाँ, ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे है 15 यूरो पर किलो। मैंगो है 4.99 यूरो पर किलो। ये जो ग्रीन कलर के एप्पल है वो सस्ते हैं यहाँ पे 2 यूरो, मतलब 160 रुपया पर किलो, तो नॉर्मल रेट ही है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये वाले एप्पल और भी सस्ते हैं, ये वाले जो एप्पल है वो कुछ 1.25 यूरो है पर केजी, तो बहुत सस्ता है। मतलब यार एप्पल ही सबसे ज़्यादा सस्ता है। आई वॉन्ट दिस ग्रीन वन, क्योंकि नॉर्मली हम लोग के वहाँ पे ग्रीन वन मिलता नहीं है ना। अगर आपको लेना है अनानास यानी कि पाइनएप्पल, तो 1.89 यूरो पर केजी। यहाँ पे इसका रेट समझ नहीं रहा है, लेकिन ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऑरेंज रखो, जूस निकालो, ये नीचे जो बॉटलें पड़ी हैं इनमें से एक बॉटल भरो और सीधा मार्केट में वहाँ पे लेके जाओ। क्या रेट है वो नहीं समझ रहा है, रेट तो जो भी होगा मतलब 1-2 यूरो होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, क्योंकि किलो ऑरेंजेस ही 2 यूरो के हैं, तो फिर इससे ज़्यादा तो क्या होगा एक बॉटल ऑरेंज जूस के। और चॉकलेट्स हैं, बनाना है 2.29 यूरो पर केजी। एक चीज़ मुझे नहीं समझा, यहाँ पे टोमेटो क्यों इतना महंगा है। टोमेटो का अगर आप रेट देखो तो 1 केजी है 5.19 यूरो, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है। और क्यूकम्बर भी, ये एक ककड़ी आप देखेंगे तो 2.19 यूरो। और फ्रूट जूस अगर आप देखेंगे तो 2.15 यूरो के सारे फ्रूट जूस स्टार्ट होते हैं, 2 यूरो 3 यूरो जो भी है। तो अगर आप घर से कुछ भी खाना नहीं लेके आ रहे हो तो यहाँ पे आके आप ऑर्डर मतलब ले सकते हो मार्केट में जाके, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है। 2 यूरो का फ्रूट जूस 1 लीटर इज 160 रुपीज़ ए लीटर। यहाँ पे आइसक्रीम्स भी बहुत सारी अवेलेबल है, आप देखिए, अभी सबके रेट तो नहीं बताऊँगा। KPL मीन्स पैकेट, मतलब ये जो क्लासिक वाला आइसक्रीम है वो है 1 यूरो का, तो इस हिसाब से आइसक्रीम के भी रेट चल रहे हैं यहाँ पे। जो भी होगा, अभी चॉकलेट आइसक्रीम ही खाते हैं हम लोग, तो चॉकलेट के लिए देखते हैं और क्या है और अवेलेबल। देखिए यहाँ पे क्रीम्स हैं सारे, यहाँ पे भी क्रीम्स हैं, यहाँ पे सारी आइसक्रीमें रखी हुई है अगर आप देखेंगे तो। और यहाँ पे आइसक्रीम्स है, कोई आइसक्रीम लेनी है तो उठा लेंगे अभी, अदरवाइज निकलते हैं। और अभी अभी आपको बियर वगैरह कुछ दिखाता हूँ, बियर्स क्या रेट चल रहा है यहाँ पे। कोरोना बियर 2.39 यूरो। और आगे जो भी बियर्स हैं ब्रांड्स, तो मुझे भी नहीं पता इतने, तो नहीं चैंग, हाँ चैंग सिंगापुर, तो बाकी के भी 2 यूरो 3 यूरो सारे रेट चल रहे हैं यहाँ पे। कार्ल्सबर्ग का 2.65 नॉर्मल, जो हम लोग कार्ल्सबर्ग हमने यहाँ पे मिलती है वो। और बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो चैंग बियर है, जो कि थाईलैंड की बहुत फेमस बियर है, इसका है 3 यूरो। हार्ड ड्रिंक्स यहाँ पे लोग सुपर मार्केट में नहीं रखते, उसके लिए प्रॉपर वाइन शॉप में जाना पड़ता है, तो हार्ड ड्रिंक्स तो नहीं है यहाँ पे। और ये यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हो ये सारे फ्लेवर्ड योगर्ट, और कल हम लोग को पनीर टिक्का बनाना था रूम पे, तो हम लोग ने पनीर टिक्का बनाया भी, उसके लिए हम लोग को योगर्ट चाहिए था प्लेन वाला, तो ये वाला जो होता है, ये वाला जो योगर्ट दिख रहा है आपको,
ये वाला है प्लेन योगर्ट, और बाकी आपको मिल्क दिखा रहा हूँ मिल्क का क्या सिस्टम है। तो अगर आप देखो यहाँ पे मिल्क है, अलग अलग रेट है, 2.39 यूरो, 2.69 यूरो का भी 1 लीटर वाला मिल्क है, और यहाँ पे 0.99 यूरो वाला भी 1 लीटर का मिल्क है। और मुझे भी ये लैंग्वेज नहीं आती, तो पता नहीं कैसा कौन सा मिल्क लेना है, लेकिन कल हम लोग ने सेफर साइड ये वाला मिल्क ले लिया था, जो कि अभी भी हमारे पास आधा डब्बा घर पे पड़ा हुआ है, मतलब रूम पे आधा डब्बा पड़ा हुआ है। तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट, और आज का व्लॉग भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अभी होटल में जाके हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने वाले, 3-4 घंटे सो जाएंगे, उसके बाद फिर से उठ के खाना वाना बनाएंगे और ऑरोरा का वेट करेंगे। अगर ऑरोरा आता है, अभी चांसेस दिख रहे हैं 8%, मतलब दिखना चाहिए अरोरा यहाँ पे, और दिख गया तो बहुत मज़ा आएगा। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे व्लॉग एंड कर रहा हूँ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे हम लोगों को लैपलैंड में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट द टाइम, एंड लेट्स बिकम साइको अगेन इन नेक्स्ट वन।